इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में। कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनका इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वफ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, लाओ और ज़्यादा करके देखते हैं, जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनका इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है, हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है कि इनकी आस्था नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। एक पॉइंट और है इसमें, जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए, या तो इनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसी बातें करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कम से कम दबाव तो बनाएं। वो बिल्कुल सामने देखकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को ये भी सोचना पड़ेगा, उन सेक्युलर पार्टियों के लिए भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो वफ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वफ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वफ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वफ की जो मर्यादा है, जो लोग वफ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वफ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी चीज़ को जो वफ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वफ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी जो भी मुसलमान वक्फ करता है या वक्फ ऑलरेडी की है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो किसी ना किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या जिस भी पर्पस के लिए वक्फ की गई है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसको कि वाकिफ़ की मंशा कहते हैं। तो लिहाजा पूरे मुल्क में लाखों प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकसद के लिए वक्फ की है, जिसमें कि ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 60-70% प्रॉपर्टीज़ मसाजिद यानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों की शक्ल में हैं। और इसी के साथ साथ मुल्क में इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1995 का वक्फ एक्ट मौजूद है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए और ये वक्फ बोर्ड मुल्क भर में अपना काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो इंक्रोचमेंट है, उन इंक्रोचमेंट्स को तर हकीकत हटाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जिन प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं, तो हम लोग एक ज़माने से मुख्तलिफ हुकूमतों से डिमांड करते आ रहे हैं कि उसका अगर हटाना मुमकिन ना हो तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे, जिससे वक्फ बोर्ड के मसाइल हल हों। बहरहाल, अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ
बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।